तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत दिन से इनएक्टिव हूँ बिकॉज मैं अपने अभी होम टाउन आया हुआ हूँ। सो यहाँ पर लाइक लाइट का बहुत दिक्कत होता है बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ विलेज, बट थोड़ा सा ही सुधर रहा है अभी तो इसलिए मेरे को रात में टाइम मिलता है तो रात में मैं सो जाता हूँ जल्दी एंड रात में लाइट होती है और सुबह सुबह लाइट बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। तो अभी भी मेरे को पता नहीं मैं रिकॉर्ड करा तो लाइट रहेगी या नहीं। वैसे ये सबको हटाते हैं साइड में, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसी वीडियो एडिट करवाने तो यू कैन सिंपली जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर आप मेरे को मैसेज करके आप कुछ भी बनवा सकते हो, लाइक लोगो बैनर इंट्रो या फिर कुछ भी आपको बनवा रहा हो, लाइक बहुत सारा चीज होते हैं यूट्यूब के लिए। सो आप कुछ भी बनवा सकते हो, जाके मेरे को कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपने प्रीव्यू देख लिया होगा किस बारे में हम ट्यूटोरियल आज बताने वाला हूं मैं आपको। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको अपने कैपकट में जो अपने जो क्लिप्स होते हैं उसको ले लेना है, उनको जो है कट कर लेना है एंड जो सॉन्ग होता है उस पर बीट ऐड कर देना है। कट करने के बाद गाइस यहां पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पर स्पीड रिवैम्प पे जाके डिलीट कर देना है दोनों बीट्स एंड यहां पर आपको सिंपली तीन बीट्स रखना है एंड इन दोनों को स्पीड रिवैम्प कर देना है आपको, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे देख के आप कर दो एंड आपका जो बीट है उस हिसाब से आपको इसको मैच करना है। सो लेट्स, सो अभी देख सकते हो ये बीट पे आ चुका है अच्छे से एंड यहाँ पर आपको सिंपली वापस से जाना है अपने कर्व में, स्पीड रिवैम्प या कर्व भी बोल सकते हो आपको, इस पे कर्व लिखा हुआ है यहाँ पर, बेटर क्वालिटी पे करके आपको इसको राइट कर देना है एंड सब बाकी सभी को आपको सिंपली सेम वैसे ही करना है, जितने भी सारे आपके जो क्लिप्स है उन्हीं को। सो वैसे इतना करने के बाद सिंपली आपको जाना है इफेक्ट्स में एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है मोशन ब्लर, आपको सिंपली मोशन ब्लर करने के बाद कैंसिल करना है एंड राइट कर देना है। राइट करने के बाद सिंपली गाइस इसको सिंपली एकदम स्प्लिट कर देना है, क्रॉप कर देना, एकदम छोटा कर देना है यहाँ पर जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना। करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो उसको अपने बीट पे अच्छे से दोनों क्लिप के बीच में अच्छे से ऐड कर देना है। करने के बाद गाइस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है ऑब्जेक्ट में, इसको कर देना है ऑल वीडियो पे एंड देन आपको जाना है इसके एडजस्टमेंट में। एडजस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको की फ्रेम जो होता होगा, की फ्रेम आपको ऐड करना है स्टार्टिंग में एंड सेंटर में एंड देन लास्ट में। की फ्रेम ऐड करने के बाद गाइस यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर की फ्रेम ऐड कर देता हूं उसको और कम करके, ठीक है। तो की फ्रेम यहां पर हो गया ऐड एंड बीच वाले पे आपको क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल इसको वैसे ही रहने देना जैसा ये है एंड लास्ट वाले में आके आपको सिंपली इसको कर देना है 50 एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे भी आपको कर देना है इसको 50, जिससे कि आपका जो मोशन ब्लर वाला जो इफेक्ट होता है, जो ट्रांजिशन होता है, वो देखने को मिलेगा एंड आपको सिंपली बीच वाले को भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है जैसा आपको लाइक सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपके वीडियो के हिसाब से। तो सिंपली गाइस इसको करना है कॉपी एंड देन यहां पर आपको यहाँ पर लगाना है दूसरे वाले बीट पे भी, देख सकते हो कैसा दिख रहा है। सिंपली गाइस यहाँ पर मैं तीन तीन लगा देता हूँ गलती से, आपको सिंपली तीन नहीं लगाना, आपको सिंपली दो ही लगाना है सभी बीट्स पे। सिंपली इस वाले को हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड एंड बाकी मैं देख सकता हूँ आपको सारे में दो एक जो है सभी में से डिलीट कर देता हूँ एक एक वाला एंड देन आपको जाना है ओवरले में एंड जाकर आपको लेना है व्हाइट कलर का बैकग्राउंड एंड लेने के बाद इसको क्या करना है, आपको इसको भी एकदम छोटा कर देना है। करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको इसको करना है ब्लेंड ओवरले एंड इसका भी जो साइज है बिल्कुल ही छोटा कर लो, अगर नहीं है तो, अगर आपको कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको की फ्रेम ऐड करना है, पहले जीरो कर देना है ओवरले का जो ओपेसिटी होता है, जीरो करके आपको सिंपली स्टार्टिंग में की फ्रेम, लास्ट में की फ्रेम एंड देन बीच में भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड देन बीच का जो है आपको ओवरले 50% तक रखना है, ज्यादा नहीं जाना, नहीं तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, 50% तक ही बस है एंड देन करने के बाद सिंपली इसको सभी बीट पे आपको पेस्ट कर देना है एंड बाकी इसको आपको एक्सपोर्ट करना है जिस भी क्वालिटी में आप करना चाहते हो। बाकी यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और आपको कौन सी टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वो जरूर से बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं सिंपली आपके लिए वो वीडियो टॉपिक जरूर से ला दूंगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।